हेलो दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा ये घोषणा करी गई है कि नवंबर महीने तक 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जाएगा। तो क्या ये फ्री राशन आपको भी मिलेगा? किस किस को ये राशन फ्री मिलने वाला है और कितना राशन मिलेगा? राशन में आपको क्या क्या मिलने वाला है, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देख ले, और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, लॉकडाउन हुआ था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के द्वारा सभी को फ्री राशन उपलब्ध कराया जा रहा था। ये जो फ्री राशन दिया जा रहा था, मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट के द्वारा फिर से ये घोषणा करी गई है, भारत सरकार के द्वारा, कि 80 करोड़ लोगों को ये राशन नवंबर के महीने तक फ्री दिया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस राशन में क्या क्या मिलने वाला है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आपको मिलने वाला है चावल या गेहूं, इसमें से आपको कोई एक मिलेगा। कितना मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा आपको 1 किलो चना मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये जो राशन है आपको किसको मिलेगा, तो ये राशन आप पूरे भारत में जिसके पास भी राशन कार्ड है, जितने भी राशन कार्ड धारक हैं, उन सभी को ये राशन मिलने वाला है। कितना मिलेगा तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको प्रति यूनिट 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं मिलने वाले हैं। यानी कि आपके राशन कार्ड में 5 लोगों का नाम है, तो आपको या तो 25 किलो चावल मिलेंगे या 25 किलो गेहूं मिलेंगे। इसके अलावा 1 किलो आपको चना भी मिलेगा। तो दोस्तों, जितने भी पूरे देश में राशन कार्ड धारक हैं, सभी को ये राशन मिलने वाला है, और ये आपको नवंबर महीने तक मिलेगा। जिस तरीके से आपको 15 तारीख को राशन मिलता था, उसी तरीके से मिलेगा, लेकिन आपको ये राशन नवंबर तक फ्री मिलने वाला है। अगर आपके दिमाग में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।